तो रिम्स हमने इसके खोली, अभी इनकी हवा निकाल के नए वाले टायर्स इंस्टॉल किए देंगे। ये जो पैंथर का टायर है ना, इसमें ये जो मैं क्रैक्स की बात कर रहा था ना, इसमें क्रैक्स बहुत ज़्यादा है। एक मिनट, तो ये जो क्रैक्स है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स आ चुके हैं। नो डाउट ये अभी अगर आप देखो तो ये तकरीबन आपके 6 महीने और निकाल सकता है टायर, बट ये जो क्रैक्स है ना, इनकी वजह से आप रिस्क नहीं ले सकते। ये हाई स्पीड पे किसी भी टाइम जो है आपको धोखा दे सकता है। ये 4 प्लाई का टायर है, सी ये 4 प्लाई का टायर है, 6P 4P नायलॉन हैवी ड्यूटी, ये 2.25/17 और ये पैंथर का टायर है। इसीलिए जो है डिफरेंट एक्सपीरियंस के लिए हम लोग जो है अभी ये ट्राई करेंगे। इसीलिए हमने इसका जो है पीछे वाला रिम जो है वो भी खोल लिया हुआ है। अब इसको अभी इसकी जो स्पॉट किट है ये भी चेंज करेंगे। तो पीछे वाला टायर इसकी कंडीशन भी तकरीबन ठीक है, और क्योंकि ये पंक्चर हो रहा था तो इसको जो है रिप्लेस करने का प्लान किया है। और ये जो है ये डायमंड का टायर है, डायमंड का, तो ये भी अभी ओपन करके आपको दिखाते हैं। ओपन करने के लिए ये वाले 2 लीवर्स चाहिए होते हैं, इससे बेहतर भी आपको मिल जाते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो है ना थोड़े से मुझे तंग कर रहे हैं, सो आई विल बी रिप्लेसिंग दैम। तो हमें ये जो है 2 लीवर्स चाहिए होते हैं। उसके बाद चाहिए होती है आपको बेतहाशा ताकत। उसके बाद आपने सिर्फ जान लगानी है इसको ओपन करने के लिए। अगर लीवर्स हो ना अच्छे, थोड़े से थिन हो, तो वो बड़े ईजीली आपका जो है ना टायर निकल आता है। तो ये सीन है। इसके बाद अभी हम लोग टायर खोल के नए टायर की इंस्टॉलेशन करेंगे और साइडों पर लगाएंगे इसके मोबाइल आयल। मैं भी लेकर आता हूँ। तो टायर हमारा बाहर आ गया भाई, ये हमारा टायर आ गया भाई, ये न्यू टायर है। और ये इसका जो है पट्टी, जिसको कहते हैं फीता, अभी जो है फीता इसका इंस्टॉल करेंगे। और ये जो है आपकी हवा वाली जो नाली है उसके सामने आना चाहिए, यहाँ पर, ठीक है। ये सामने आ गया, अब जो है फीता खींच के जो है इसके ऊपर चढ़ा देंगे। ये क्या करता है, जो साइड सामने वाले जो आपके जो, और ये जी टायर ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है न्यू। अभी जो पिछला टायर है ये हम उतारने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं तो बस वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास डायमंड का टायर है पुराने वाला, ठीक है। और ये जो है ये रहा डायमंड टायर 41, और ये जो है ये 6 प्लाई का टायर है। ये 17R रियर है, और ये इसकी कंडीशन है अभी, ये इसकी कंडीशन है। तो अभी जो है बाइक के अंदर ये वाला टायर जो है वो इंस्टॉल होने जा रहा है, ठीक है। ये 8 प्लाई का टायर, इसका जो फीता है सबसे पहले वो जाएगा, फीता इंस्टॉल होगा। ये हमारे पास खड़ी है YBR, ये 125, और ये 70/170 बायर खड़ी है। और अगला टायर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, फुल ब्लैक लश। इस टायर को भी वॉश करके हम लोग बिल्कुल यम पम कर देंगे। तो बाइक की ऑलरेडी आप लोग वीडियो देख चुके हैं, और अभी बाइक बहुत गंदी हुई है, क्योंकि ये चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद इसको बाइक को करेंगे वॉश और फिर लेके जाएंगे रोड टेस्ट पे कि इसकी मैक्स आउटपुट क्या निकलती है। वैसे तो हम लोग टेस्ट रात को ही करते हैं, अगर टॉप स्पीड या इस तरह की चीज़ चेक करनी हो तो। अभी जो है इंस्टॉलेशन के बाद एक बार चेक करेंगे पूरा बाइक को कैसी चलती है। अभी जो है फीता इंस्टॉल हो चुका है मेन वाल, और इसके बाद अभी जो है इसकी ट्यूब इंस्टॉल करेंगे। ट्यूब इंस्टॉल करने के बाद फिर टायर, फिर इसके अंदर भरेंगे हवा, और जो पंप है वो ख़त्म शुद्ध हो चुका है। पंप जो है वो ख़राब हो चुका है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा किसी शॉप पे, और इससे पहले कि शॉप बंद हो हमें काम फिनिश करने हैं सारे।